आपका स्वागत है। और एक मशहूर गाना जो हम कई बार मौत के समय गाते हैं, लेकिन वास्तव में वो मौत के समय का गाना नहीं है, इसके पीछे का इतिहास यदि आप देखेंगे, सो उत्तम और शांतिदायक बात कि ईश्वर था में मेरा हाथ, हर काम हर स्थान में हर समय मुझ यात्री को ले चलता है। जोसेफ हेनरी गिलमोर ने इसे 1834 से 1918 के बीच में जो है, जब वर्ल्ड वॉर जो है प्रथम चल रहा था, लोग जो है वॉर के कारण, युद्ध के कारण जो है भयभीत रहते थे, और जोसेफ गिलमोर जो है फिलाडेल्फिया में एक बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे, और वे चाहते थे कि उनके लोग जो है बजाय युद्ध के जो है परमेश्वर की ओर जो है डाइवर्ट हो, और उन्होंने भजन संहिता 23 के इस गीत को जो है भजन संहिता 23 को इस गीत में ढाला और कहा अपने के मैसेज में कि चाहे हम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, प्रभु जो है न तो हमको छोड़ेगा न हमको त्यागेगा और हमें अपने साथ ले चलेगा। ये मैसेज देने के बाद में ये जो है अपने एक सबऑर्डिनेट के घर गए और बातें करते करते जो है उन्होंने इस गीत को कलमबद्ध किया और अपनी पत्नी को दे दिया, और वो इस गीत को देकर के भूल भी गए। और करीब 3 साल बाद जो है न्यूयॉर्क के एक चर्च में जो है चर्च के लिए एक विशेष गीत जो है ढूंढा जा रहा था, तब गिलमोर की पत्नी ने ये उनके द्वारा लिखा हुआ गीत जो है चर्च में जो है जो संगीतकार थे उनको ये गीत दिया, और उन्होंने इस धुन को, इसकी धुन को बनाया, और ये गीत जो है पिछले 100 साल से जो है हम चर्चों में गाते रह रहे हैं। और कई लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि प्रभु की आराधना विशेष विशेष समय के लिए विशेष विशेष गीत है उसके लिए, लेकिन नहीं, ये गाना जो था वो था ही लीडेथ मी, उत्तम और शांतिदायक बात कि ईश्वर था में मेरा हाथ। आप सब हमारे साथ इस गीत में ज्वाइन हो सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद दें ऐसे सुसमाचार सेवकों के लिए, ऐसे आराधकों के लिए जो प्रभु की सेवा तन मन धन से करते हैं। There is no other.